संगीत का अंगत बोलती हूँ, जहाँ इस संगत का पांव धर जाता है वो जमीन हिल नहीं सकती।
एससी संयम, आई जस्ट लव हिम सो मच. आई गेस कौन नहीं इनको प्यार करता. आई लव यू टू दीदी. मैं मुझे पूरा यकीन है शान जी और अमाल आप दोनों इस बात से अग्री करते हो, इवन ज्यूरी भी अग्री करती होगी. अमेजिंग. और ये जहाँ पे सुर छेड़ दे हम जैसे लोग तो बस वही वाली बात हो जाती, गंगा में हाथ धोने आ जाते. अरे नहीं. So, इतना मजा आया आप आए हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है. थैंक यू दीदी. मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप जैसे सारे सुरीले लोगों का जो मुझ जैसे गरीब को प्यार करते हैं. आपकी बहुत मेहरबानी. ऋचा दीदी के साथ गाना, पंजाबी में हमारे कहावत है खाला जी दा वाड़ा नहीं है, ये शेर गवैया साड़ी भैन मेरी बहन है, मैंने इसलिए गा दिया वरना इसके साथ गाना बहुत वो जिगरे का काम है. मेरी बहन, गॉड ब्लेस. थैंक यू बहन जी. जोरदार तालियां हो जाए मास्टर सलीम और ऋचा जी के लिए. वेलकम इंडिया टू अमूल सारेगामापा लिटिल चैंप्स. इंडिया आज से शुरू हो रहा है म्यूजिक की पाठशाला के चौथे सेमेस्टर का दूसरा यूनिट टेस्ट. जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था, इस सेमेस्टर में भी कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकते हैं, यानी कि एलिमिनेशन हो सकते हैं. इसलिए बहुत ध्यान से, क्योंकि फिनाले अब ज्यादा दूर नहीं, फुल पावर परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए. लिटिल चैंप्स, बढ़ते हैं आगे. आज भी टाइमलेस म्यूजिकल लेजेंड्स ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, कल्याण जी, आनंद जी, आरडी बर्मन से लेकर आज के दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स प्रीतम, विशाल शेखर, अजय अतुल जैसे धुरंधर संगीतकारों के गानों का सेलिब्रेशन जारी रहने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की परफॉर्मेंसेस का सिलसिला और बुलाते हैं हमारे पहले लिटिल चैंप को. गुणीजन, इस पावन वातावरण में गर्मी की तपन से मुक्ति दिलाने, अपने सुरों के मंथन से शीत पवन चलाने, चंदन जैसी सुगंध फैलाने, आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं सावरों से उजली किरण, जिनके गीतों के श्रवण से नृत्य करने लगते हैं आलिया और वरुण धवन. आज ये गीत गाएंगी उस महान संगीतकार का जिनका नाम है आरडी बर्मन. कृपया करें इनका अभिनंदन. सुगंधा दाते को मेरा भी नमन. बेटा इधर आओ, यहाँ करो ट्रांसलेशन. जोरदार तालियां हो.
Anand sir and the whole team of musicians, unbelievable. Zordar taaliya band ke liye. Love you guys. दुनिया में लोगों को धोखा हो सकता है लेकिन अपने को कोई धोखा नहीं हुआ है. साफ साफ दिख रहा है कि जूरी ने क्या स्कोर दिया है. ग्रैंड जूरी वर्सेस को सच्चाई कोई शक ही नहीं है. थोड़ा जोर से बोलो, मेरे को सुनता नहीं है. That's right. It is a chart-busting moment. Amazing. Amazing. जो म्यूजिक है ना, जो सुर है, वो किसी के बाप का नहीं. वो अल्लाह पाक भगवान या जो भी ऊपर बैठा है वो किसी को भी अता कर सकता है. सो ये बच्ची सुर से लबरेज है और इसको मेरी दुआएं हैं और मेरा बहुत सारा प्यार है इसके साथ. और जो बैंड है, जो बजा है आज, कमाल है. गॉड ब्लेस यू बच्चा, आप खुश रहो. थैंक यू सो मच सर. ये फिनाले जाते जाते मैं देख रहा हूँ सब लोग धुरंधर और भी बनते जा रहे हैं. यानी ये तो जॉनर चेंज हो गया है सुगंधा दाते का. अमेजिंग, यानी फुल मार्क्स एंड सुपर परफॉर्मेंस. थैंक यू. मैं जितनी देखती हूँ ये इसकी परफॉर्मेंसेस तो मुझे अपने वो वर्ड्स याद आते हैं. मैंने बोला इन्होंने अपने बहुत सारे कार्ड्स खोले नहीं हैं. ये बहुत कुछ कर सकती हैं जब ये एक ही जॉनर में गा रही थी. तो आज मुझे इतनी खुशी है कि उस बात को हमारे सभी बच्चे जितने भी गा रहे हैं वो अमल कर रहे हैं और उसके ऊपर काम करके फिर ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं. भाई मतलब आपको बहुत बहुत सारी तालियां और बहुत सारा आशीर्वाद. थैंक यू. ये एक बार तालियां आशा के लिए बिकॉज बड़ी बात है. आवाज़ पे बहुत बहुत फर्क पड़ता है. और यही है असली जज्बा हमारे बच्चों का कि दूसरे की परफॉर्मेंस में और चार चांद लगाने के लिए सपोर्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड सारे गामा पा लिटिल चांस. सुपर्ब सुगंधा, सुपर्ब. थैंक यू सर. जितना भी कहूँ कम पड़ जाएगा. वेरी गुड. और साथ साथ वी हैव सेलिब्रेटेड आर डी बर्मन, उनका जो एक एक म्यूजिकल. उनके पहले भी ऑफकोर्स ये ब्रास सेक्शंस यूज हुई थी लेकिन जिस तरह से ये सिंकोपेशन, ये फ्रेजिंग्स जो वो लेकर आए, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंपोजर्स, वन ऑफ द मोस्ट टाइमलेस कंपोजर्स. तो उन्हीं के तीन गानों का एक सेलिब्रेशन हुआ. व्हाट अ सेलिब्रेशन. वो भी कहीं खुश हो गए. बिल्कुल. इसको सुन के देख के सुपर मजा. थैंक यू सर. जोरदार तालियां हो जाए सुगंधा के लिए. यू गाओ अपना प्लीज टेक अ सीट. इस कड़ी धूप में शॉपिंग के लिए ना घर से निकलने की जरूरत है ना पैसे खर्च करने की जरूरत है, तो सिर्फ जल्दी से Z5 ऐप डाउनलोड करने की. हमारे साथ सारे गामापा प्ले गेस्ट स्कोर खेलिए. अगर आपके स्कोर्स हमारे जूरी के स्कोर से मैच करते हैं तो आप जीत सकते हैं शॉपिंग वाउचर्स एंड अ मेगा प्राइज iPhone 10. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. डाउनलोड द Z5 ऐप एंड पार्टिसिपेट इन सारे गामापा प्ले गेस्ट स्कोर टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस. अब आ रहा है वो लिटिल चैंप जिसके टैलेंट से अब ना कोई अनजाना है ना कोई अनजानी. पिछले 15 हफ्तों से जो लिख रहा है अपने बेफिक्र अंदाज में सुरों की कहानी और आज ये तैयार है न्यू एज के मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर के गाने पर सुर उठाने तूफानी. प्लीज वेलकम पंजाब का शोला भवेश मट्टू. मट्टू मन वा
Extremely good synergy. Grand jury, what's the score? Barchester. Hardbuster. Dhamaka. Next level, Bhavish Mattu. Next level. Sabko kar deta hai lattu, apna Bhavish Mattu. Mattu. अमेजिंग परफॉर्मेंस. मुझे इस बार लिरिक्स बहुत अच्छे से मुझे सुनाई दिए. मैं यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि जब आप गाते हो सिंगिंग तो बहुत अच्छी होती है, कभी कभी वर्ड्स खा जाते हो. यू नो आज क्लैरिटी भी बहुत अच्छी थी, सुर तो बहुत अच्छे थे. चार्ट बस्टर मिला यार, और क्या कहेंगे. सुपर हिट परफॉर्मेंस. लवली. शान सुखी जी का गाना क्या कहना चाहेंगे. भविष्य मट्टू. करेक्ट. योर नेम इज क्लियर इंडिकेशन that one, you're from the Punjab. And it's a very unique, different, and the quality is absolutely fantastic. You know, my heart has won. Thank you. Good, very good. So, thank you for Shan. Mattu Saab, you've been so good. Thank you, sir. Kamal kar ditti hai. और सब तो वड्डी गल है कि जिस सिंगर ने ये गाना गाया है
उनकी हम सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सुखविंदर पाजी, हम सुखविंदर जी, और उनके गाने को हाथ डालना बहुत मुश्किल काम है। तूने भी बहुत अच्छा गाया भावेश, और पंजाब का नाम ऊंचा किया। यार मैं तुझे जप्पी डालू, जोरदार ताली हो जाए सलीम जी के लिए, मास्टर सलीम बंदा। सर मैं आपका बहुत बड़ा सर फैन हूँ। मैं आपका टेबल फैन हूँ। सर आपका पूरा पंजाब भी फैन है आपके गानों का। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप मेरे साथ एक गाना गाओ सर। कौन सा गाना? सर आहूँ आहूँ। आहूँ आहूँ तो उसमें तो सुजैन जी ने भी गाया था। आइए आइए सुजैन, 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 चमक नहीं आ रहा। इन्होंने कमाल गाया था, अंग्रेजी जगह ऐसे मैंने अजे तक समझ नहीं आया, पर मीठा बहुत सा। Thank you, Suzanne. Thank you, Raja. Thank you very much. And Saleem ji, bahut bahut shukriya. Thank you so much. What great energy. Meherbani, shukriya. Bhavesh, aaj jo aapne performance di, wo itni effortless thi aur aapki singing bhi aaj, matlab bilkul effortless thi. Bitte. अरे प्रीतम प्यारे, मैं गा नहीं रहा हूँ, मैं प्रीतम को बुला रहा हूँ। लेकिन मैं प्रीतम को क्यों बुला रहा हूँ सच्ची, जब उसी का गाना गा सकती है बच्ची। सारा मिमिक्री नहीं हो रही अच्छी। जोरदार तालियां हो जाए तो आस्था दास प्रीतम जी का गाना लेकर आ रही है रॉकस्टार स्टेज पर। यू राउंड ऑफ अप्लॉज। Mm-hmm.
सब कितने खुश हो रहे हैं। मेरी तो सांस सड़ गई, गा ये रही थी और मेरा सांस फूल रहा है, इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी। मुझे पता है चार्ट बस्टर है, फिर भी दे दो, तुम भी क्या याद रखोगे। ब्लॉकबस्टर।
गुरुजी मेरे को भी कुछ सिखा दो. ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, जोरदार ताली. And a huge round of applause for the band. Terrific. Outstanding. आस्था आज का परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही खास था. अनबिलीवेबल. मैंने पहले भी कहा है कि जब ये परफॉर्म करेगी और इसका कॉन्सर्ट होगा, मैं टिकट खरीद के जाने वाला हूँ. और सब दोस्तों को लेके जाने वाला हूँ. अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, सुपर. इसका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया. इसका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया. आस्था आप कमाल हो, आप बब्बर शेर हो. मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, आप बहुत बड़ी सिंगर बनेंगी और आप इतना नाम कमाएंगी कि लोग ढूंढते फिरेंगे आस्था कहाँ है, आस्था कहाँ. गॉड ब्लेस. बैंड ने तो बैंड ही बजा दिया सबका. क्या बात है. गॉड ब्लेस बेटा, खुश रहो, आबाद रहो. आस्था ने बिल्कुल सही पकड़ लिया रास्ता. जोरदार तालियां हो जाए तो आस्था दास. कीप अप द विनिंग स्ट्रीक. टेक अ सीट आस्था. गॉड ब्लेस यू. दोस्तों, कई साल पहले डॉक्टर कुरियन भारत में द मिल्क रेवोल्यूशन लेकर आए थे. इससे ग्रामीण भारत का विकास तो हुआ ही, साथ में मानव भारत के हर घर को दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स के जरिए हेल्थ और न्यूट्रिशन मिल गया. अमूल हर घर का हिस्सा बन गया और एक हेल्दी इंडिया प्रोग्रेस करता गया और वक्त के साथ आगे ही आगे बढ़ता गया. ऐसे ही आज हमारे ये लिटिल चैंप्स म्यूजिक से बढ़ते बढ़ते हर घर का हिस्सा बन चुके हैं. ये इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री के आने वाले कल के सितारे हैं. अमूल इनकी इस आगे ही आगे बढ़ने वाली प्रतिभा को सलाम करता है. जैसे म्यूजिकल जीनियस AR रहमान के गाने हर दिल को छू जाते हैं, वैसे ही हमारे इस लिटिल चैम्प की हर परफॉर्मेंस दिलों में उतर जाती है. आज भी ये अपने सतरंगी अंदाज से आपके दिलों को जीतने आ रहे हैं. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजस्थान के सूरमा मोहम्मद फैज का. मेरे सांस सुलगने लगते हैं.
अनुष्का आस्था एंड आरसी मनी जी वंस अगेन थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सपोर्ट मनी जी सुपर्ब 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 मनी जी क्या बात है वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियंस ऑफ आवर कंट्री मनी अय्यर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए ग्रैंड ज्यूरी व्हाट्स द स्कोर 98.7% वेल डन फेज वेरी वेल डन सलीम जी क्या कहना चाहेंगे यार मैं तुझे जप्पी डालूं प्लीज इतने खड़ा हो जाए मेरे को इतने ये बच्चा जो है मोहम्मद फैज इसके ऊपर अल्लाह का बहुत फैज है ये बाप है यार सबका ये मेरा भी बाप है गॉड ब्लेस खुश रहो और हमेशा ऐसे गाते रहो थैंक यू सलीम जी थैंक यू वेरी मच शाम क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में सोनू निगम साहब जिन्होंने इस गाने को गाया था उन्हें वो खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात उन्होंने बताया था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग्स दैट ही हैज संग हम सब के गुरुजी साथ गुलाम मुस्तफा खान साहब उनके बेटे भी यहाँ कादिर भाई मुर्तजा भाई यहाँ मौजूद हैं तो उन्होंने अलग से जाकर रियाज की उनके सिखाए कुछ बंदिशों पर इस राग पर आधारित जो बंदिशें उन्होंने सीखी थी उनसे सीख कर फिर आकर इस गाने को परफॉर्म किए सो दैट इज़ द काइंड ऑफ मुश्किलात इस गाने में हैं और वो तो रिकॉर्डिंग की बात हो रही ना यहाँ फैज लाइव गा रहा है और मतलब जहाँ तक सांस की एक भी या जान की एक कतरा थी ना तुमने लगा दी उस परफॉर्मेंस में बहुत ही काबिल तारीफ है फैंटास्टिक सुनिश के बहुत सारे गाने हैं जो सुनने में ऐसा लगता है क्या बात है ना लेकिन उसको अगर हम खुश हो जाते हैं सुनकर खुद गाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है रहन दो सुनी लो खाली तो ये इस बात के लिए इनको मैं बधाई देना चाहूँगी और मैं दिल से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी आपने ये हिम्मत की और आपने बहुत हद तक बहुत ही खूबसूरती से निभाया और जो ज्यूरी ने आपके एक आध जगह काटे हैं ना नंबर सही बात का शान भैया ने आपके कि पतंग जब बहुत ऊंचाई पे जाती है और उसे अगर और ऊंचाई पे ले जाना है तो एक बार तो खिंच मारनी पड़ती है राइट वो आज आपको खिंच लगी है
अगले एपिसोड में आप और ऊंचाई पे उड़ जाओगे. थैंक यू मैम. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू निशा जी. फैज, तुम चार्टबस्टर बच्चे हो तो इट्स ओके. मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसको एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जूरी ने मेंबर्स ने भी आपके मार्क्स काटे. इट्स गुड क्योंकि नाउ वी आर गेटिंग क्लोज. फिनाले पास आ रहा है. थोड़े हम स्ट्रिक्ट होने वाले. बहुत जरूरी है. बिल्कुल जरूरी. बट सुपर्ब. आई लव्ड इट. थैंक यू अमाल. थैंक यू सो मच जजेस. सलीम जी बहुत बहुत शुक्रिया. फैज परफॉर्मेंस हो गया. कॉमेंट्स मिल गए. स्कोर मिल गया. एक बात बताइए, रमजान का महीना चल रहा है, मामा जी से कुछ ईदी वीदी कुछ मिली है? कुछ तोहफे वगैरह कुछ मिले हैं? अभी रमजान का महीना चल रहा है, हम सब रोजे रखते हैं. इस बार मेरा भी बहुत मन था रोजे रखने का, लेकिन मुझे मामू ने कन्विंस किया कि नहीं रखना, क्योंकि मुझे गाना गाना है और ताकि मेरे गले पे कुछ असर ना हो, इसलिए मामू ने मुझे रोजा नहीं रखने दिया और बोला कि तू गाना गा और मैं तेरे बदले में रोजा रखूंगा. प्रतीक, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप मंच पर आ जाएं. जोरदार तालियां हो जाएं प्रतीक के लिए. फैज का जो टैलेंट है वो एक धर्म से कहीं बढ़कर है. फैज के लिए उसने अपना जॉब भी छोड़ दिया है कि कोई बात नहीं, पर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा. फैज को मुझे आगे तक ले जाना है और उसे एक बार शो का विनर बनाना है और उसे एक बहुत बड़ा सिंगर बनाना है. सलीम जी, ये प्रतीक रामावत जी मोहम्मद फैज के मामा हैं. वो एक शेर है ना कि इधर मंदिर इधर मस्जिद इधर गुरुद्वारा इधर गिरजा, खुदा के ये सभी घर हैं, जिधर चाहे उधर गिर जा. ये कितना सुंदर जेस्चर है, कई लेवल्स पे, सच अ ब्यूटीफुल थिंग. आप बताएं जरा ये जो आपने. मैं एक्चुअली क्या, ये मेरे को बोल रहा था कि रमजान स्टार्ट हो गया मामू, मैं रोजे रखूंगा. हर साल रखता ही है रोजा जी. तो मैंने कहा इस बार कंपटीशन का समय और फिनाले पास में आ रहा है जी. तो मैंने कहा तू इस बार रेस्ट कर, तेरी जगह मैं रखता हूँ रोजे और तेरे लिए दुआ करता हूँ. यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ कि सब फाइनल तक जाए और अपनी कामयाबी पाए. वाह. और सही मायने में प्रतीक, जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं ना, तब तक मजहब हमेशा इस देश को बांधे रखेगा, कभी टूटने नहीं देगा. गॉड ब्लेस यू प्रतीक. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस. बहुत 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 लकी बच्चा है. बहुत लकी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच प्रतीक एंड थैंक यू सो मच फैज. थैंक यू. शान, आप सलीम जी से कुछ कह रहे थे? मैं तो बस हम सब की आवाज हूँ और हम सब यही चाहते हैं कि टशन का टाइटल ट्रैक आपकी आवाज में. इसके बिना तो मजा भी नहीं आएगा. ये परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं होगी. मैं सुना देता हूँ. प्लीज. थैंक यू सर. जोरदार तालियां हो जाएं सलीम जी के लिए. मास्टर सलीम इन द हाउस. मास्टर सलीम. फुल पावर. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. टशन ताली बजावे न जेगा. ताली बजावे न जेगा. अपनी
बात है, क्या बात है। मैं देख पहला ही क्या सी, तू एक ही पीस है धरती पे, दूजा बढ़िया नहीं ना बढ़ना। थैंक यू दीदी। सलीम इज ओनली वन, मतलब एक ही है तू। देन आई लव यू। मेहरबानी दीदी। आई लव यू। शुक्रिया जी। आई लव यू टू। इंडिया, वक्त बदला, दौर बदला, लेकिन नहीं बदला तो बॉलीवुड म्यूजिक का खुमार। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी संगीत के जादूगरों ने वो यादगार गाने बनाए जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गए। और अब ऐसे ही महान संगीतकारों के गानों से सजी एक स्पेशल परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं हमारे लिटिल चैंप्स। जोरदार तालियां हो जाए हमारे लिटिल चैंप्स के लिए। Let's go.
पल विच सो बार करा तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा के तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझे सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके जोरदार तालियां हो जाए टाइमलेस म्यूजिक डायरेक्टर्स को हमारे अडोरेबल लिटिल चैंप्स का अडोरेबल ट्रिब्यूट थैंक यू फैज थैंक यू सो मच जोरदार तालियां हो जाए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज बढ़ते हैं आगे बुलाते हैं हमारे अगले लिटिल चैंप को जिंदगी एक सफर है सुहाना आज का अखबार कल हो जाएगा पुराना देखो भाई सीसीटीवी लगा हो तो कुछ ना चुराना अगर ग्रैंड जूरी लगी हो फोन पर तो इंटरनेट तुरंत कटवाना इससे पहले ऐसे ह्यूमर के लिए मुझे भरना पड़े जुर्माना रिचा जी जरा अगले लिटिल चैंप को बुलाना अरे आयुष कैसी हाजिर हो हाजिर हो आयुष कैसी You do.
सुनने से राजेश खन्ना, आयुष केसी। हाँ जी ग्रैंड जूरी, व्हाट्स द स्कोर? Here is the chart for Step Up Papa! Super! ये लिटिल चैम्स हमेशा लिटिल चैम्स को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मगर जो आज सुवर्णा ने किया है, अगर रात में ये हंसी सुनने को मिल जाए ना अचानक नींद में, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यार अभी नहीं, 4 महीने हो गए हैं, ट्राई तो करो ना रिजल्ट। ये कैसे कैसे हंस लेते हो ऐसे, मुझे ये हंसना ही नहीं आया अभी, ऐसे बिना सोचे कर लो। ये सब हंस रहे ऐसे कैसे कैसे हंसो भी लड़कियां। इसमें हाथ का एक कमाल है, हाथ का ऐसे। हाँ सुनो, देखो सुगंधा हंसो, देखो अच्छा ऐसा करना होता है ऐसा। ओके आई ट्राई। ओके not quite there. Yeah, I did. Shan, आप जरा ट्राई करिए ना हाथ वाला। शान तो सब कुछ कर सकते हैं, ऑल राउंडर है। वो क्या बात है, क्या बात है। माजे सलीम, आप भी सलीम जी, एक बार जरा आप भी वो हाथ वाली हंसी ट्राई करिए ना एक बार। सलीम जी प्लीज। दीदी भी बहुत अच्छा हंसती हैं, पता नहीं आज क्यों ऐसे कर रही हैं। नहीं मैं हंसती अच्छी हूँ ना ना, ये जो हमारे जो संगीत का जो दुनिया है बॉलीवुड में, कितने गाने हैं जब बीच में एक नटखट सी हंसी आती है जी, तो वो एक बीच में ना आई 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 कैसे 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 अब नहीं आएगी। वो जो बॉलीवुड के जो ये नियम है जिसमें कोई कुछ जगहें होती जहाँ पे जी जी नटखट सी हंसी आती नहीं आया। आई 1% आई तो थी, लेकिन फिनाले तक मुझे ये वाली हंसी सीखनी है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। वैसे एक्चुअली अपने बॉलीवुड के सितारे वो भी हाथ इस्तेमाल करके हंसते हैं, कभी नोटिस किया आपने? शान क्या कहना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में? वेरी गुड आयुष, सच अ लवली, आपकी आवाज, आपके हर अल्फाज जो भी आप गाते हैं बहुत साफ गाते हैं, और आपने बहुत एंजॉय किया इस गाने को, और यूडलिंग की बहुत आपने जबरदस्त अच्छी एक प्रदर्शन रखी और बहुत मजा आया, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। किसी ने ना भगवान से पूछा कि आपके अगर इंस्टेंट दर्शन करने हों तो क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला भी ऐसे नहीं होता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, इबादत करनी पड़ती है, फिर दर्शन होते हैं हमारे। वो मेरे जैसा पागल था कोई आदमी, कहना नहीं 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 मेरे पास इतना टाइम नहीं है भगवान जी, आप जल्दी जल्दी बता दो कि कैसे दर्शन होते हैं अगर जल्दी करने हों तो। तो उन्होंने बोला कि तू किसी भी बच्चे को देख लिया कर, मैं हर बच्चे में वास करता हूँ। सो और ये नहीं गा रहे, वो खुद गा रहे, और ये तो वैसे भी बड़ा खूबसूरत है, और लव यू। थैंक यू सलीम जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे गा ले तो यार ऐसा हर बार, कैसे इतना सुर, इतनी क्लैरिटी और इतना स्वीट परफॉर्मेंस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जोरदार ताली हो जाए। इस हफ्ते के सभी परफॉर्मेंसेस खत्म हो चुके हैं, चलिए देखते हैं इस हफ्ते की यूनिट टेस्ट में किसने कितना स्कोर किया। जजेस अब बताइए फैसला आपका है, कौन होता है अमूल कूल परफॉर्मर ऑफ द वीक? जो परफॉर्मर ऑफ द वीक है वो है आस्था दास। मुबारक हो आस्था, आप हैं अमूल कूल परफॉर्मर ऑफ द वीक, कंग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेल डन, ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। जोरदार तालियां हो जाए आस्था दास के लिए, प्लीज टेक अ सीट। दोस्तों बचपन वाले गानों की बात ही कुछ अलग थी,
लकड़ी की काठी, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, या फिर हमारे नर्सरी राइम्स। आज भी सुनता हूँ तो मेरा बचपन वापस आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नए अमूल आइसक्रीम्स खाकर बचपन लौट आता है। आपको बचपन का कौन सा गाना सबसे बेस्ट लगता था? चलिए रियल मिल्क से बनी कोई भी नई अमूल आइसक्रीम के साथ बचपन का कोई भी गाना गाइए और अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे अपलोड कीजिए और अमूल आइसक्रीम को टैग कीजिए @AmulIcecream #AmulIcecream के साथ, और आप में से कुछ लकी विनर्स को मिलेगा मौका सारे गमापा लिल जैम्स का फिनाले लाइव देखने का हमारे साथ। और याद रखें, इस कॉन्टेस्ट में बच्चे बड़े दोनों हिस्सा ले सकते हैं। भाई लोग कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? बट ऐसा नहीं लग रहा कि अभी भी कुछ अधूरा अधूरा सा है? भाई मास्टर सलीम और ऋचा जी जैसे लेजेंडरी कलाकार जब सामने हो तो उनका एक और परफॉर्मेंस तो बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। जोरदार ताली हो जाए परिजन शर्मा और मास्टर सलीम वंस अगेन ऑन द स्टेज। बनता है बनता है। अज होना दीदार सा 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 सनी नी 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 दा 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 दनी पदा नी सा 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 सनी नी 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 दा 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 दनी पदा सगा सा 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 सनी नी 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 दा 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 दनी पदा नी दा 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 नी 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 दा 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 दनी पदा नी सा 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 नी 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 दा 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 दनी पदा नी सा अज होना दीदार माही दा माही दा माही माही दा होना दीदार दीदार अज होना तेरे बाजो 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 की तेरे बाजो मेरे माँ मेरे आवे तेरे बाजो तेरे बाजो मेरे माँ मेरे वे आवे तेरे बाजो दिल दे मेर मवे मेरा जीवना केड़े चजावे तेरे बाजो दिल मेरे नूनू वच मेरे जश्न यही खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ओनली ऑन अमूल सारेगामा पा लिटिल चैंप्स। सी यू नेक्स्ट वीक इंडिया।